सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच की स्टॉर्स सेकंड टीम ने मर्डर में वांटेड व 50,000 के इनामी एक ऐसे क्रिमिनल को दबोचा है जो 2 साल से फरार था और जिसने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। क्राइम ब्रांच टीम क्रिमिनल से 2 कदम आगे निकली और आरोपी की पत्नी की पिछले 5 साल की कॉल डिटेल खंगाल कर आरोपी को हिमाचल प्रदेश कुल्लू से दबोच लिया। आरोपी की पहचान सुरेश राणा पुत्र लेफ्टिनेंट तीतर राम निवासी ग्राम चैल छत्र जिला मंडी हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। मनोज सी डीसीपी क्राइम ब्रांच एसटीएफ स्टॉस सेकंड ने बताया कि दिनांक 1 जून 2021 को थाना जहांगीरपुरी में शिकायतकर्ता मोटू दास निवासी झुगी नंबर G74 ने शिकायत दी थी कि मजलिश पार्क के पास मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो प्लांट साइट पर काम करने वाले 4 व्यक्ति 2 बाइक पर सवार होकर उसकी झुगी पर आए और उसके बेटे असित पर चोरी का आरोप लगाकर अपहरण करके ले गए और तब से उनका बेटा लापता है, जिसके बाद तलाश में जुटी पुलिस को पता चला कि अपहरण करने वाले लोगों ने पीड़ित असित की पीट पीट कर हत्या कर दी है। उस समय एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग पीड़ित असित को पीटते हुए नजर आ रहे थे। जहांगीरपुरी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 आरोपी व्यक्ति 25 वर्षीय कृष्ण प्रकाश और 23 वर्षीय धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर असित की बॉडी मजलिश पार्क मेट्रो प्लांट साइट से बरामद की थी, जबकि तीसरा आरोपी सुरेश राणा वारदात के बाद अपने घर में ताला लगाकर अपनी पत्नी के साथ मौके से फरार हो गया था। जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने FIR संख्या 538/21 धारा 365/302 201/120B 34 तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि तीसरा आरोपी सुरेश राणा लगातार फरार चल रहा था। इस मामले में माननीय न्यायालय सुश्री ऋचा शर्मा MM रोहिणी कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 में सुरेश राणा को भगोड़ा घोषित किया था। 2 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरेश राणा की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। लगातार फरार रहने की वजह से मनोज CDCP क्राइम ब्रांच STF स्टॉस सेकंड ने क्राइम ब्रांच की स्टॉस सेकंड की टीम को फरार सुरेश राणा को दबोचने की जिम्मेवारी सौंपी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच स्टॉस सेकंड के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच स्टॉस सेकंड के तेज तर्रार इंस्पेक्टर अरुण सिंधु की टीम ने भगोड़े सुरेश राणा पर काम करना शुरू कर दिया। जांच में टीम को पता चला कि भगोड़े आरोपी सुरेश राणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। जांच टीम ने आरोपी के पुराने मोबाइल की कॉल डिटेल को स्कैन किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जांच टीम को आरोपी की पत्नी का पुराना मोबाइल नंबर मिला जो कि वारदात वाले दिन से ही बंद था। टीम ने आरोपी की पत्नी के बंद पड़े मोबाइल नंबर का पिछले 5 साल की कॉल डिटेल से एक एक नंबर को स्कैन किया। कॉल डिटेल खंगालने पर हेड कांस्टेबल अवधेश को एक सस्पेक्ट नंबर मिला जो कि आरोपी की पत्नी की एक सहेली का था। सस्पेक्ट नंबर पर टेक्निकल और मैनुअल तरीके से नजर रखी जाने लगी। आरोपी की पत्नी दिल्ली में एक होटल में कुक का काम करती थी। हेड कांस्टेबल अवधेश ने होटल मैनेजर बनकर सस्पेक्ट नंबर पर कॉल की और आरोपी की पत्नी की सहेली को अपनी बातों में उलझाकर बात निकलवाई कि सुरेश राणा अपनी पत्नी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक ढाबे पर काम कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए अरविंद कुमार कुमार ACP क्राइम ब्रांच स्टॉस सेकंड के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने हिमाचल में स्थानीय मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम को टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों से पता चला कि सुरेश राणा गांव सुल्तानपुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही भगोड़े आरोपी सुरेश राणा को दबोचने के लिए अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच स्टॉस सेकंड ने इंस्पेक्टर अरुण सिंधु के नेतृत्व में ASI मनोज प्रमोद हेड कांस्टेबल अनंगपाल अवधेश और कांस्टेबल मनोज की एक रेडिंग टीम का गठन किया। दिनांक 5 फरवरी 2022 को क्राइम ब्रांच स्टार सेकंड की टीम कुल्लू हिमाचल प्रदेश पहुंची और छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी एक ढाबे पर काम कर रहा था और उसकी पत्नी भी ढाबे पर ग्राहकों को खाना खिला रही थी। गिरफ्तार आरोपी सुरेश राणा पुत्र लेफ्टिनेंट तीतर राम निवासी ग्राम चैल छत्र जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। इसका जन्म चैल छत्र मंडी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। यह मेट्रो प्लांट मजलिश पार्क जहांगीरपुरी दिल्ली में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। आरोपी पीड़ित असित का मर्डर करने के बाद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से भाग गया था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल रखना बंद कर दिया और कुल्लू हिमाचल प्रदेश के एक ढाबे पर काम शुरू कर दिया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर।
खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।